सोशल मीडिया पर चर्चे। इस वक्त जमायमा के बड़े बेटे की मंगनी की तस्वीर और खबरें टॉप ट्रेंड पर। अगर हर कोई ईरान के जमायमा ने किसे अपनी बहू सिलेक्ट किया, दिनों रात बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। क्या वाकई जमायमा ने अपने बेटे की मंगनी कर दी और इन्होंने सलमान के लिए पाकिस्तानी बहू को क्यों चुना, तमाम तफसील और इस मंगनी की मुकम्मल हकीकत से आपको आगाह करेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं, कमेंट सेक्शन के जरिए इनके बेटों की हौसला अफजाई जरूर करें। नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जमायमा इन दिनों अपने बेटों के साथ सऊदी अरब में मौजूद है, यहाँ पर इन्हें एक फिल्म फेस्टिवल के लिए खसूसी तौर पर इन्वाइट किया गया। इस फेस्टिवल में दुनिया के मशहूर तरीन अदाकारों ने शिरकत की, जिसमें पाकिस्तानी अदाकारा सजल अली भी शामिल थी। सजल अली और जमायमा का रिलेशनशिप बहुत पुराना है, इससे पहले भी इन्हें बहुत से इवेंट में एक साथ देखा गया। यही वजह है कि जमायमा सजल अली के काम को पसंद करती हैं। इसी वजह से जमायमा को जिस इवेंट में इनवाइट किया जाए, ये सजल को भी अपने साथ लेकर जाती हैं। रिसेंटली इन्हें जद्दा में एक साथ देखा गया। जमायमा ने जब सजल अली से शादी के बारे में सवाल किया, तो सजल का जवाब सुनकर सब शौक रह गए। वीडियो क्लिप मुलाइजा फरमाए। I think it's for me it's too early to say anything about arrange our love but I just feel like I just believe in love marriages I just believe in love I just feel and anyway wedding shaadi is just a risk. Hazreen, jaisa ki aapne suna ki shaadi ke sawal par Sajal Ali ka jawab tha ye sirf pyar ko pasand karti hain, शादी करना इनके लिए एक रिस्क था। नाज़रीन, जमायमा के इस सवाल को लेकर सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश करने लगी। जमायमा ने सजल को अपनी बहू चुन लिया। अगर आपको बताते चलें कि फिलहाल इन खबरों में कोई भी सदाकत नहीं है। जमायमा ने शादी के बारे में सजल अली से सवाल जरूर किया, मगर इसका ये मतलब नहीं था कि ये इसे अपनी बहू सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक सजल अली ने जमायमा को पाकिस्तान आने की दावत दी, जिस पर जमायमा ने इनसे वादा किया कि ये पाकिस्तान जरूर आएंगी। बताया जा रहा है कि जमायमा अगले चंद दिनों में 4 दिन के लिए पाकिस्तान का विजिट करेंगी। नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब के बड़े बेटे सुलेमान की सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात हुई, जिसकी चंद तस्वीर सोशल मीडिया पर देखने को मिली। नाज़रीन, इस वक्त 22 करोड़ आवाम जमायमा को पाकिस्तान में वेलकम करने के लिए बेताब है। क्या आप भी जमायमा के फैन हैं और इन्हें पाकिस्तान में देखने के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।